नमस्कार, मैं उच्चेतन और एक्सेल प्रो पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज की प्रिंटर सेटिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रिंटर सेटिंग आपको यहाँ पे मिलते हैं, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाएंगे आप सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज के नीचे आपको मिल जाता है प्रिंटर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंटर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ये विंडो आ जाती है। यहाँ पे से आप ऐड कर सकते हैं प्रिंटर को, और कोई स्कैनर हो तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, वो सर्च करेगा, मिलेगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई नहीं लगाए तो इसे कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम इसे काटते हैं। फिर एक और सेटिंग होती है जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने न्यू टैब ओपन किया, आप यहाँ पे कंट्रोल पी दबाएंगे। मैंने कंट्रोल पी दबाया तो यहाँ पे आपके सामने ये आएगी सेटिंग्स। यहाँ पे ये मैंने सेटिंग्स आपको बता रखी है, नहीं पता तो यहाँ बता दूँ। यहाँ पे आपके प्रिंटर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रिंटर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे फिर आपको मिल जाता है कॉपीज़ की, एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए। पेपर आपका लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, वो यहाँ से आप लेंगे। होल पेज प्रिंट करना है, कस्टम पेज प्रिंट करना है, वो आप यहाँ से लेंगे। कलर करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, वो आप यहाँ से लेंगे। जैसे कलर किया तो ये देखिए कलर हो गया। मोर सेटिंग के अंदर आपको ये फोर पेपर साइज मिल जाता है, प्रिंट एरिया मिल जाता है। कोई पेपर आपका बड़ा है वो नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप लिख के उसे 50% करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेव के लिए पूछ रहा है, हमारा प्रिंटर अटैच नहीं है इसीलिए यहाँ पे एंटर दबा दिया था मैंने। तो यहाँ पे 50% देखिए छोटा हो गया है। यहाँ पे आप इसका स्केल बढ़ाएंगे तो वो अपने आप यहाँ पे होगा मैनेज। यहाँ पे आप इस पर करेंगे तो ये एक्चुअल जो साइज है वो आएगा। नीचे आपको मिल जाता है पेज पर शीट, यहाँ पे आपको कितने एक पेपर की कितनी परसेंट चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए आपको, मार्जिन आप डाल सकते हैं। हेडर फुटर यहाँ पे आपको चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे कोई हेडर नहीं है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हेडर के रूप में ये आ चुका है न्यू टैब और डेट, और नीचे आपको ये दिख रही है। इस पर टिकट आएंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये नीचे आपको मिल जाता है बैकग्राउंड ग्राफिक। बैकग्राउंड ग्राफिक में देखिए ब्लैक पेज भी आ रहा है क्योंकि ब्लैक थीम है हमारी। और नीचे आपको और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं प्रिंटर यूजिंग डायलॉग बॉक्स, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा आपके सामने ऑप्शन। यहाँ पे से भी आपको यही ऑप्शन मिलते हैं, ये आपको पेंट वर्ड में बाकी सब जगह भी यही मिल जाते हैं। और फिर नीचे सबसे आपको ऑप्शन मिल जाता है कोई आपके प्रिंटर में इशू हो तो आप इस पर क्लिक करके उसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताए हैं और अभी भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्रिंटर के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक यही सेटिंग है। तो जो भी पेज आपको प्रिंट करना हो तो आप वहाँ पे कंट्रोल पी दबा दे तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा और आप सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रिंटर अटैच होगा तो आप उसे बाय डिफ़ॉल्ट इस पे क्लिक करके सेट कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम एंड परफॉर्मेंस। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।